क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी नई महामारी की चपेट में है और अब तो भारत में भी केस 30,000 के पार पहुंच गए हैं तो दुनिया भर में 30,00,000 के पार। अब ऐसे में हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच अब मदद की होड़ मच गई है। दोनों के बीच एक दूसरे से ज्यादा मदद देने की रेस लगी हुई है, तो आपको दिखाते हैं रेस में कौन है आगे और कौन पीछे और क्यों इसे लेकर बात हो रही है, और आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया के कप्तान और उपकप्तान वैसे तो अक्सर अपने रन और प्रदर्शन को लेकर होड़ में रहते हैं। दोनों के बीच तुलना होती रहती है कि कौन बड़ा खिलाड़ी है, कौन बड़ा कप्तान है। अब इस बार दोनों में मदद को लेकर होड़ मची हुई है। तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कुछ दिन पहले मदद दी थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की मदद दी है। अब इसका गणित ऐसे समझिए, साल 2019 में विराट कोहली ने अपनी सैलरी और एंडोर्समेंट से 183 करोड़ रुपए कमाए और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने साल भर में 28 करोड़ रुपए की कमाई की। अब इस तरह दोनों ने मिलकर पिछले एक साल में 211 करोड़ रुपए कमाए और हर दिन की कमाई हुई 54,00,000 रुपए। अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 3 करोड़ रुपए दिए जो कि उनकी 6 दिन की कमाई के बराबर हुआ। अब रोहित की बात करते हैं तो हिटमैन रोहित शर्मा ने सैलरी और एंडोर्समेंट से पिछले साल 27 करोड़ रुपए की कमाई की। अब रोहित की एक दिन की कमाई हुई करीब 7,00,000 रुपए। अब रोहित ने 80,00,000 रुपए दान दिया तो रोहित ने अपनी 11 दिन से भी ज्यादा की कमाई दान में दे दी। कप्तान विराट कोहली ने 3 करोड़ दिए जो रोहित के 80,00,000 से काफी ज्यादा थे, तो वहीं रोहित ने अपनी कमाई 11 दिन की दे दी, तो वहीं विराट के 6 दिन की कमाई से ये कहीं ज्यादा रही। तो कुल मिलाकर दोनों ही दिग्गजों ने दिल खोल कर दान दिया। अब आपका इसे लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।